हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शॉपिंग करने का असली मजा तो सेल में आता है। अब एक हफ्ते की छुट्टी। अब घर जाकर मम्मी से कहूंगी कि उनके हाथ की ठंडी लस्सी बना कर दे। आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन। आज आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। आखिर सर, आपने दिखाई दिया कि इंसान मेहनत से ही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। क्या बात है सर, आप कुछ खोए खोए से दिख रहे हैं। कोई परेशानी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो तुमने कुमार की एनुअल रिपोर्ट भिजा दी? जी सर। अब वक्त है उस घड़ी का जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड देने का वक्त आ गया है। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस शहर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर श्याम विपुल को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर हैं मिस्टर विराज। अब मैं चाहूंगा मिस्टर विराज स्टेज पे आए और अवार्ड रिसीव करें। चाहूंगा मिस्टर विराज हमारे लिए दो शब्द कहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंसान अगर चाहे तो मेहनत और ईमानदारी के बल पर जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। इस अवार्ड को जीतने का श्रेय मैं अपने बहुत ही खास साथ। विराज, क्या हुआ तुम्हें? अभिजीत, गोली तो बाएं तरफ से चली है। बस इसका मतलब गोली चलाने वाला इसके सामने नहीं खड़ा था, साइड से गोली चलाई इसने। अगर ये यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा था बाएं तरफ से गोली चली है, सर यहाँ कहीं पे होना चाहिए खूनी को। आप यहाँ पर तो दीवार है, अभिजीत मतलब खूनी दीवार के सामने खड़ा था, इन सारे लोगों के बीच में। किसी ने तो सुना होगा, देखा होगा गोली चलाते वक्त। ये इधर दीवार पे मेहमान थे इस तरफ? सर दो या तीन। दो या तीन, कितने? सर तीन। कौन लोग थे कुछ याद है आपको? सर गोली की आवाज सुनकर वो लोग भाग गए, जो बचे यही बचे हैं। मेहमानों की लिस्ट तो होगी तुम्हारे पास? यस सर। लाओ। ओके सर। ऐसे आप लोगों ने देखा किसी को गोली चलाते हो? नहीं सर। कमाल, एक आदमी यहाँ पे गोली चलाता है, इनकी मौत हो जाती है, ना किसी ने कुछ देखा ना सुना, ऐसा कैसे हो सकता है? सर दरअसल हम सबका ध्यान स्टेज पे चल रहे प्रोग्राम पे था, इसलिए गोली कहाँ से आई वो पता ही नहीं चला। सर, हाँ। हाँ, सुचित। यहाँ पे सारी क्लासेस बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन इस ग्लास पे क्रैक है। अभिजीत, ग्लास में क्रैक है, मगर ग्लास खड़ा का खड़ा ही गिरा नहीं है। ऐसा क्रैक तो तभी आएगा सर, ये ग्लास किसी से टकराए या फिर बहुत जोर की आवाज हो ग्लास के पास। जरूर ये आवाज गोली चलने की है और वो गोली इसी ग्लास के करीब से ही चली है। आ जा, देख
लगता है गोली यहीं से चली है ग्लास के पास से। बॉस देख करके तो ऐसा ही लगता है कि गोली यहीं से चली है, फिर भी 100% श्योर होने के लिए मैं अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। चेक कर ले। आप लोग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना जिसने भी राज को मारा है। आपसे वादा करते हैं जिसने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला देंगे। हिम्मत से काम ले, अगर तू ऐसे करेगा तो काम कैसे चलेगा? चुप हो जा। सीआईडी से आज तक कोई भी मुझे बच नहीं पाया। आप सर मैं शेखर, विराज का चचेरा भाई। और फिर आप? मेरा नाम आशिका है सर, मैं विराज की वर्षों से बिजनेस पार्टनर हूँ सर। और सर मैं विराज जी का पीए हूँ। तो फिर आप में से किसी को भी किसी भर भी शक है किसने किया होगा ये? नहीं सर, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं, दुश्मनी तो थी नहीं तो कोई खून क्यों करेगा? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सर विराज जी का आज शाम से बहुत ज्यादा मूड खराब था। खराब मूड? उन्हें तो बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था ना, फिर भी मूड खराब था उनका। इस बात से मैं भी हैरान हूँ, इतने बड़े खुशी के मौके पर उनका मूड बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा था और फोन कॉल आने के बाद तो उनका गुस्से का पारा बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसका फोन कॉल था? सर ये तो नहीं पता, अविराज जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें डील कैसे कैंसिल कर सकते हो? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ये सारी बातें हो रही थी सर। आशिका जी आपको पता है किस डील के बारे में बोल रहे थे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है कि आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं? आप तो विराज की बिजनेस पार्टनर थी ना, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। सर मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई डील ही नहीं थी जो कैंसिल हुई है। ऐसा कोई डील नहीं था जो कैंसिल हुआ है, ठीक है? अब हम पता लगा लेंगे कौन सा डील था और क्या हुआ था। मयूर सर विराज का फोन दो। देखो जरा आखिरी फोन। नाम तो लिखा नहीं, अनजान नंबर है। फोन लगा के देखो। फोन बंद आ रहा। अभिजीत फोन बंद आ रहा है, इसका मतलब है विराज की मौत का जिम्मेदार ये फोन कॉल ही है। पता लगाना पड़ेगा ये फोन नंबर है किसका। मनसा बेकार की जिद छोड़ दो ना। मम्मा प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे सीआईडी के पास जाना ही होगा, मुझे मदद लेनी होगी। मम्मा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, फिर से हमला हो गया तुम पर तो। मम्मा प्लीज, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, लेट मी डू इट। हाँ मैं सीआईडी के पास जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ओके सर। सर मोबाइल कंपनी वालों से पता चला है कि वो नंबर किसी अर्जुन के नाम पे रजिस्टर्ड है जो बगोदिया बस्ती में रहता है। लेकिन उसके घर वालों ने बताया कि अर्जुन तो 5 साल पहले मर चुका है। क्या? और उसका सिम कार्ड कौन इस्तेमाल कर रहा है कुछ पता नहीं। तो बड़ा चालाक है ये खुद, कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहा है। 5 साल पहले मरे हुए आदमी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता है और फिर विराज का खून भी करता है। ये देखिए सर, ये देसी कट्टा मिला है इसमें से, लगता है गुनी भागते वक्त गलती से यहाँ गिरा गया। अजीब क्यों नहीं है सर, भाग गया लेकिन हथियार यहीं छोड़ गया हमारे लिए। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं सर। एक मिनट, कौन है आप लोग? सर मेरा नाम मनसा है और ये मेरे बिजनेस पार्टनर है अमन। अच्छा क्या हुआ बताइए। सर हमें किसी ने मारने की कोशिश की है सर, हमारी जान पे हमला हुआ है। किसने किया हमला तुम लोगों पर, कौन जानते हो आप लोग? सर कुछ नहीं पता है और समझ में नहीं आता है कि हमें मारकर किसे फायदा होगा। देखिए प्लीज आप घबराइए मत, हम लोग पता लगा लेंगे। अच्छा ये बताइए कि जब आप पे हमला हुआ तो क्या आप लोग साथ साथ थे? नहीं सर, अलग अलग जगहों पे हमला हुआ, मुझ पे मेरे ऑफिस में
और मंचा पे शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में हुआ सर। जी सर, कल दोपहर को करीब 12 और 1 के बीच में। कल दोपहर को? और आप लोग आज हमारे पास आए हैं? आज? कल क्यों नहीं आए? सर, हम घबरा रहे थे सर, बड़ी मुश्किल से हम हिम्मत बटोर के आपके सामने आए सर। अच्छा, जिन लोगों ने आप पे हमला किया उनके चेहरे तो देखे होंगे ना आप लोगों ने? सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं ठीक से कुछ देख भी नहीं पाई। और ये देखिए, गोली मेरे बाजू में लगी। बड़ी अजीब बात है, गोली चलाने वाले ने देखा तक नहीं कि गोली निशाने पर लगी है या नहीं। सर, अच्छा ही हुआ कि उसने नहीं देखा, वरना शायद आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा नहीं खड़ी होती। सर, जरूर ये किसी अनाड़ी का काम है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल होता तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करता। अमन, क्या तुम पर भी गोली चली थी? सर, मेरे साथ जो हुआ वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब था सर। हेलो। अरे नहीं यार, ऑफिस में आज अकेला ही हूँ, शनिवार था इसलिए सभी लोग चले गए। मेरा भी थोड़ा बहुत ही काम बाकी है, बस मैं भी जाने ही वाला हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय। अरे ऑफिस में इस वक्त कौन हो सकता है? उतर चुका था मैं। सर, गोली मारने वाला बिना गोली मारे ही चला गया। वही तो। सर, ये तो बहुत अजीब है। सर, जो कुछ भी हुआ कम से कम मेरी जान तो बच गई सर। दिने, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब आप लोग हमारी एक मदद कीजिए उनका स्केच बनवाने में। सर, स्केच तो बनवा देंगे, मगर ब्यूरो से बाहर जाने से डर लग रहा है सर, कहीं फिर से हम पे हमला हुआ तो। अब आप पर कोई हमला नहीं कर सकता, अब आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, मंचा पर गोली चलाने वाला करीब से गोली चलाता है मंचा पर जानलेवा गोली नहीं चलाता, और जो अमन पर गोली चलाने गया था वो बिना गोली चलाए वापस चला जाता है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ अलग ही चक्कर है। सर, ये रहा स्केच। थैंक यू। चल, आपको पूरा यकीन है यही लोग हैं वो? हाँ सर, लगभग ऐसे ही थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए आपकी सुरक्षा के लिए हमारे सीआईडी ऑफिसर्स तैनात रहेंगे। थैंक यू सर। श्रेया, देखो क्या ये दोनों पुराने पापी है क्या? सर। आसान के बोल, गोली उसी टेबल पे से चली थी जिस टेबल पर वो वाइन ग्लास था। ओके, ठीक है। सर, मिल गया? नहीं सर, उन दोनों का हमारे डेटाबेस में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कोई भी रिकॉर्ड नहीं है उन दोनों का? अच्छा, एक काम करते हैं, वो मॉल जिसके पार्किंग लॉट में मंचा पर हमला हुआ था और अमन का ऑफिस, इन दोनों जगहों के पास उस वक्त जिस वक्त गोली चली थी उस वक्त जितने भी सेलफोन्स नेटवर्क में थे उन सब का पता लगाते हैं। पर सर, ऐसे तो सैकड़ों लोग होंगे। बिल्कुल, सैकड़ों लोग होंगे, सैकड़ों फोन होंगे, मगर मुजरिम उन्हीं में से ही कोई है, उन्हीं में से ही कोई है जो सबसे करीब थे उस पार्किंग लॉट में मंचा के पास और सबसे करीब थे अमन के पास उसके ऑफिस में, उन्हीं में से ही है जो सबसे करीब थे इन दोनों के। फ्रेडी और पंकज को बोलो पता लगाने के लिए। सर, फंक्शन का फुटेज रेडी है। निखिल, अब जूम करो उस टेबल पर जहां से गोली चली थी। सर, टेबल पे तो तीन लड़कियां बैठी हैं, इसका मतलब इनमें से किसी ने विराज पे गोली चलाई। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये तीन लड़कियां।
इतनी लंबी लिस्ट, मुझे तो मेरे स्कूल के दिन याद आ रहे हैं और इतिहास के राजा महाराजा के नाम रट रहा हूं। ले भैया एक और लिस्ट आ गई। इतनी लंबी लिस्ट, सर मैं बेहोश हो जाऊंगा। घबराइए नहीं सर, यह आखिरी है। अच्छा, मुझे तो नींद आ रही है। उस दिन मंचा वाले मॉल और अमन के ऑफिस के पास इतने सारे लोग थे, जो हमें चाहिए उसे ढूंढेंगे कैसे? एक काम करते हैं सर, दो चार लोगों को फोन करके देखते हैं, हमारा नसीब शायद बुलंदी पे हो और हमें बुजुर्ग मिल जाए। अच्छा आइडिया है, लगा फोन। पिंकी पिंकी पोंकी, फ्रेडी सर लव्स अ डोंकी, ये वाला नंबर। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका मैडम? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें शर्म नहीं आती? अनजान लड़की को फोन करके परेशान करते हो? अरे नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। अगर तुमने मुझे दोबारा फोन किया ना, तो मैं सीआईडी को कंप्लेंट कर दूंगी। मैं खुद सीआईडी से हूँ और मैं इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन हूँ। खबरदार जो फोन किया दोबारा। अरे मैडम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरे पति ने कहा ना तुमसे मुझे फोन करके परेशान करने के लिए। जाओ जाके कह दो उसे, मैं एक पैसा दहेज नहीं देने वाली। दहेज? अबे क्या हुआ पंकज, दहेज का नाम सुन के तेरे पूरे शरीर में 440 वोल्ट का करंट क्यों दौड़ने लगा? अरे सर मत पूछिए, दहेज ही तो मेरी दुखती रह गए सर, मेरा पुराना जख्म हरा हो गया। अबे मैं कुछ समझा नहीं। सर आप तो जानते ही हैं, मेरे स्कूल के और कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबकी शादी हो चुकी है, मैं ही अकेला बचा हूं कुंवारा। पता है क्यों? क्यों? इस दहेज की वजह से। पंकज, एक सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद भी तुझे दहेज चाहिए? कितनी शर्मनाक बात है ये। मैं अभी एसीपी साहब को फोन करता हूँ। अरे एसीपी सर को क्यों फोन कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो, मैं दहेज नहीं मांग रहा हूँ, लड़की वाले दहेज मांगते हैं। मुझसे कहते हैं जब तक मैं दहेज नहीं दूंगा लड़की से मेरी शादी नहीं कराएंगे, इसलिए तो दहेज का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट जाते हैं। सर तू चिंता मत कर पंकज, जो लड़की तुझे सच्चा प्यार करेगी वो सिर्फ तेरा दिल देखेगी, दहेज या पैसा नहीं, समझे? सच्ची सर। हाँ अब चल, अब ये शादी के सपने देखना बंद कर और काम पे लग जा। काम पे लग जा, लिस्ट इतनी लंबी है। अबे रो क्यों रहा है? चल एक काम कर दे, देखते हैं इन सारे नंबरों में से ऐसे कौन से दो नंबर है जो मंशा वाले मॉल और अमन के ऑफिस के सबसे करीब है। देखते सर। सर ये नंबर देखिए सर, सर ये मॉल से सिर्फ 70 मीटर दूर है। सर ये नंबर देखिए, ये ऑफिस से 20 मीटर दूर है। सर एक्सक्यूज मी, ऐसा आप जरा बता सकते हैं कि ये और ये दो नंबर किसके नाम पे? एक मिनट। सर अगर आपकी नजर में कोई सुंदर सुशील प्यारी सी लड़की होगी ना सर, तो मुझसे मिलवा दीजिएगा सर। वो क्या है ना, मेरी मॉम चाहती है कि मेरे हाथ जल्दी से जल्दी पीले हो जाए। प्लीज जरा ध्यान रखो। सर ये दूसरा वाला नंबर ट्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये पहला नंबर किसी शीतल कुमार का है। शीतल मतलब पंकज, उस दिन मनशा को मारने कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की आई थी। मनशा ने तो कहा था कि कोई लड़का था। ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। एक काम करता हूँ, दया सर को फोन करता हूँ। सर क्यों बुलाया हमें यहाँ? अभी पता चल जाएगा। वो तीसरी लड़की कहाँ है जो इनके साथ में थी? सर उसका नंबर या एड्रेस नहीं मिला, यहाँ तक कि उसका लिस्ट में नाम भी नहीं था। उसका नाम भी नहीं था मेहमानों की लिस्ट में? फिर अब ये जरूर किसी और के इनविटेशन पर अंदर घुस गई, अंदर घुस गई और विराज पर गोली चलाकर भाग गई। क्या उसने विराज जी को मारा? जी हाँ, और आप दोनों उसके साथ में बैठी थी तो उसके पास गन थी, आपने देखा कैसे? नहीं सर, मेरा सारा ध्यान तो फंक्शन की तरफ था। सर मेरा भी। वाह, तुम दोनों का फंक्शन की तरफ इतना ध्यान था कि तुम्हारे बगल में बैठी हुई लड़की अपना गन निकालती है, निशाना साधती है और गोली चलाकर भाग जाती है, इसका तुम्हें पता भी नहीं था? कैसे मान सकते हैं हम ये? चलिए बताइए और क्या याद आता है उस लड़की के बारे में?
सो उसने एक बड़ा सा बैग रखा था टेबल पे और शायद इसीलिए हमें गन नहीं दिखी। कहाँ पर? सर वो जो टेबल है ना उसपे जो फूलों का गुलदस्ता पड़ा उसी के पास। और वाइन का गिलास बैग के बगल में ही था? जी सर था, और वो उस बैग के साथ कुछ छेड़खानी भी कर रही थी। तुम दोनों यहाँ बैठी थी? जी सर। और उसने बैग कहाँ रखी थी? सर उसका बैग यहाँ पर था और ग्लास यहाँ पर। जी जी सर। मतलब अभिजीत बैग के अंदर गन छुपा कर रखी थी। वो कह रही थी ना, छेड़छाड़ कर रही थी बैग के साथ, निशाना साधा उसने और गोली चला दी। सर उसका चेहरा तो हम देख ही चुके हैं, उसकी फोटो टेलीविजन और अखबारों में दे दें सर। हाँ मगर उससे पहले अभिजीत सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर ये जो दोनों कैमरास हैं ये फंक्शन हॉल के अंदर के हैं और ये मेन गेट का। तो काफी देर से आई फंक्शन में, अब जरा ये मेन गेट वाला दिखाना। जी सर। सर ये तो टैक्सी में आई है। टैक्सी में? एक मिनट जरा इसको रिवाइंड करो, कैसे चलाना। बॉस बॉस अब जरा ये नंबर प्लेट है ना टैक्सी का उस पर जूम करो। टैक्सी कंपनी से पता करो कहां से बैठी थी ये इस टैक्सी में। जी हाँ मैं उसी टैक्सी की बात कर रहा हूँ, VWJA 3856। जी हाँ 23 नवंबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास इस टैक्सी ने एक लड़की को तिरला ऑडिटोरियम पहुंचाया। देखिए इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए हमें। जी हाँ खून का मामला है। क्या कहा टैक्सी कंपनी ने? सर कंपनी वाले सारी डिटेल्स ईमेल कर रहे हैं सर। ओके टैक्सी कंपनी का ईमेल आ गया। ये रहा उनका मुंबई का रोड मैप और ये है वो लाल डॉट, ये है वो टैक्सी और उस टैक्सी का रूट ये था। ये देखो तिरला ऑडिटोरियम, मतलब उस लड़की ने टैक्सी ज्वाला रोड से पकड़ी है, ज्वाला रोड से। बहुत होशियार है लड़की सर, इसने टैक्सी अपने घर पे नहीं बुलाई बल्कि भीड़ भाड़ वाली रोड पे बुलाई। लगता है इस लड़की का घर ज्वाला रोड के आसपास ही होगा। निखिल सो काम करो, तुम और जयवंती जाओ ज्वाला रोड जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो। शीतल क्या? शीतल तुम हो ना? आप लोग क्या कह रहे हैं? ये हेडफोन्स निकालोगी तब सुनाई देगा। आई एम सो सॉरी। आप लोग तीनों दीपा के कजिन्स हैं राइट? मैं आप लोग का ही वेट कर रही थी। हम लोग कोई कजिन वजिन नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर सब कुछ ठीक है ना? शनिवार दोपहर 3 बजे तुम मॉल में क्या कर रही थी? कौन सा मॉल? वही मॉल जो जवाहर नगर में। सर मॉल मैं कोई मॉल में थी नहीं और जवाहर नगर तो मेरे घर से काफी दूर है, मैं वहां जाती ही नहीं हूँ। देखो शीतल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम जवाहर नगर नहीं गई थी तो तुम्हारा फोन वहां कैसे पहुंच गया? पर मेरा फोन तो गुम हो चुका है, मेरे पास है ही नहीं। आप लोगों को मिला क्या? ओ, तो फोन मिलने रहा है, बहाने अच्छे हैं मगर सीआईडी के सामने ये सारे बहाने पिट जाते हैं क्योंकि हमें ये भी पता है कि इस वक्त आपका फोन कहाँ है। यहीं पर है घर पे, नेटवर्क यही बता रहा है। पर मेरे पास तो मेरा फोन है ही नहीं और नेटवर्क और सिग्नल। हाँ शायद हो सकता है कि मेरी काम वाली बाई ने चुराया हो, मैं उसे इनफैक्ट निकालने वाली थी काम से। अंदर कौन है? कोई नहीं, शायद चूहा होगा। चूहा? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में नहीं जा सकते। सुनिए
लो। की जरूरत है, हम ले जाते हैं। प्रॉम टैक्सी में यहां से बैठी होगी वो, लेकिन उसे टैक्सी यहां से क्यों पकड़ी होगी, कहीं और से क्यों नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा है। देख भाई निखिल, तेरी समझदारी जरा मैं हिला देती हूँ। तुझे पता है एक आदमी जब सजदा जाता है तो वो बाहर टहलने निकल पड़ता है। सजने के बाद टहलने क्यों लगता है? डिपेंड करता है, अगर जवान बच्चा हो तो कुड़ियों छुड़ियों पे लाइन मारने निकल पड़ता है, और अगर बुजुर्ग हो तो खुशी में निकल पड़ता है। लेकिन औरतों और लड़कियों का ऐसा नहीं होता, तुझे नहीं पता? नहीं। लड़कियों के बारे में कुछ तो पता होगा? वो कुछ भी नहीं पता। नहीं। शर्मा क्यों रहा है? नहीं, वो देख, लड़की औरत जब एक बार तैयार हो जाती है तो ज्यादा दूर तक नहीं जाती, मतलब नहीं जाती, जा ही नहीं सकती। मतलब ये कि वो जहाँ तैयार हुई है टैक्सी भी उसने वही बुलाई होगी, मतलब घर के आसपास। बिल्कुल, देखा था ना वीडियो में कितनी सजी धजी हुई थी, अब इतना मेकअप और लिपस्टिक उसने होटल में बैठ के नहीं किया, घर पे किया होगा। उसका घर यही कहीं आसपास होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ लड़कियों के बारे में। नहीं नहीं, बंदा जा रहता है अक्सर, दवाई वगैरह वही आसपास से लेता है। होशियार है तू? वो तो चल ढूंढे उसे। एक्सक्यूज मी जी, हमें कुछ चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। ये क्या है? ये प्रिस्क्रिप्शन है। ध्यान से देखो जरा। बात क्या है? देखो हम सीआईडी से हैं। ये फोटो ध्यान से देखो और बताओ, तुमने पहले इसे कहीं देखा है? तो मेरी? ये तो मेरी? नहीं नहीं, मेरी कुछ नहीं लगती, ये तो वही है ना। अरे देखना, ये वही है ना। अरे हाँ, ये तो वही है, 11 नंबर बंगले वाली। 11 नंबर वाली? हाँ, 11 नंबर पे रहती है, घर से फोन करती है। बहुत बार घर पे दवाई भेजी हमने इसके। क्यों, बीमार है क्या? नहीं नहीं, हट्टी कट्टी है। 11 नंबर वाली। गाड़ी हटा। अगर यहाँ बदतमीजी नहीं पसंद तो सीआईडी ब्यूरो चलो, वहां कर लेंगे थोड़ी बदतमीजी। सीआईडी? Oh!
मुझे जाने दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। चुप! पैसे लेकर लोगों को मारते और कहते हो तुमने कुछ नहीं किया? किसने कहा था तुम्हें मंशा और अमन को मारने के लिए? प्रीतम ने। कौन प्रीतम? वो बड़ी पार्टियों से सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और हम जैसे लोगों में बांट देता है। मुझे मंशा को मारने के लिए कहा था उसने, और मेरे दोस्त रिंकू को अमन की सुपारी दी थी। मतलब पैसे लेकर लोगों को मारने का पूरा नेटवर्क ये प्रीतम चलाता है, और फिर मंशा और अमन को मारने के लिए प्रीतम को किसने कहा? प्रीतम को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था? सर, विराज ने। विराज? सर इसका मतलब विराज, मंशा और ये अमन का केस आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, पर मजे की बात ये है सचिन कि विराज ने प्रीतम को कॉन्ट्रैक्ट दिया मंशा और अमन को मारने का, और फिर विराज का ही खून हो गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन और मंशा ने मिलकर विराज को मरवा दिया हो? तो फिर मंशा और अमन हमारे पास क्यों आते हैं? अच्छा, ये तुम्हें सुपारी मिली थी ना मंशा और अमन को मारने की, तो फिर तुम और तुम्हारे दोस्त नाकामयाब कैसे हो गए? नाकामयाब नहीं हुए थे सर, प्रीतम ने आखिरी वक्त पर सुपारी कैंसिल कर दी थी। प्रीतम ने आखिरी वक्त इन दोनों को मारने का प्लान ही कैंसिल कर दिया? क्यों, ये चक्कर क्या है? मुझे तो लगता है विराज की मौत के पीछे इस प्रीतम का हाथ है। दीपिका। जी सर। तुम्हें विराज को मारने के लिए किसने कहा था? प्रीतम ने। प्रीतम ने? सर मगर प्रीतम को किसने कहा होगा विराज को मारने के लिए? वो भी पता चल जाएगा निखिल। सर मुझे कितनी देर यहाँ रुकना पड़ेगा? क्या मैं घर जा सकती हूँ? क्यों, ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो तुम्हें हम जाने दे? एक खूनी को बचाने की कोशिश की है तुमने, समझे? सर मैं इलेश से प्यार करती हूँ, इसलिए भाग गई थी। तो कौन सा बड़ा काम किया इलेश से प्यार करके? इसे बचाने की कोशिश की तुमने, उसे तो सजा होगी मगर तुम्हें भी होगी सजा। चले जाओ इसे। चलो। इलेश, तुम्हारे पास प्रीतम का नंबर और एड्रेस तो होगा ना? सर मेरी बात प्रीतम से कभी डायरेक्ट हुई नहीं, हमेशा उसकी सेक्रेटरी जिया से ही बात होती थी। दीपिका, तुम्हारे पास नंबर है प्रीतम का? नहीं, मेरी बात हमेशा उसकी सेक्रेटरी जिया से होती थी। तो फिर सेक्रेटरी जिया का नंबर दो हमें। सर कोई एक नंबर हो तो बताएं, हमेशा नए नए नंबर से फोन करती थी वो। और हाँ, किसे बांधा है उसकी सारी जानकारी एक लिफाफे में डालकर घर के बाहर रखती थी। नए नए नंबरों से फोन करती थी। बड़ी चालाक समझती है ये अपने आप को सेक्रेटरी जिया, लेकिन उसे पता नहीं अब उसका पाला पड़ा है हमसे, सीआईडी से। अब ज्यादा देर बच नहीं सकती वो। जिया ने जिन जिन नंबरों से तुम्हें फोन किया है वो सारे के सारे नंबर चाहिए हमें अभी इसी वक्त। सर ये देखिए, शहर के नक्शे में जो लाल रंग के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिया ने आज ये नंबर वहां इस्तेमाल किए हैं। ये है वो पहला नंबर जिया ने इस्तेमाल किया हुआ, राजा पार्क से लेकर खातीपुरा गया है, और 30 मिनट तक बात कर रही थी, 30 मिनट तक, और फिर खातीपुरा से वो श्याम नगर आई, उस दौरान उसने 40 मिनट तक बात की। हाँ सर, और तीसरा नंबर उसने इस्तेमाल किया है श्याम नगर से क्वींस रोड के बीच, तकरीबन अब 1 घंटे बात की है सर, और उसके बाद अब ये क्वींस रोड से विद्यानगर की तरफ गई। और सर विद्यानगर में जिया के नंबर के साथ एक और नंबर है। लगता है ये नंबर प्रीतम का है श्रेया, ये प्रीतम ही है। इस प्रीतम ने बुलाया होगा जिया को विद्यानगर मिलने के लिए। लेकिन सर विद्यानगर के बाद तो जिया का मोबाइल बंद हो गया सर। तो ठीक है, होने दो, लेकिन वो दूसरा नंबर भी तो है जिससे जिया मिली थी, उसको ट्रैक करो निखिल। सर फिलहाल ये नंबर सिविल लाइन के किसी बंगलो में है, बंगलो नंबर 17। सिविल लाइंस बंगलो नंबर 17। जिया तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी? स्पेशली ऑर्डर देके बनवाई है,
डिजाइनर है। वाह जिया, तेरी चॉइस को तो मानना पड़ेगा। एक मिनट, मेरा एक बहुत पुराना दुश्मन है, मुझे उसे मरवाना है, दाम जो भी चल लग जाए। लगता है किसी आशिक का फोन आया है। मैं प्रीतम जी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, आपका संदेश उन तक पहुँचा दूंगी। 10 लाख लगेंगे। अरे 20 लाख दूंगा, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। बहुत नफरत करते हैं हमसे, ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका? मिलके बताता हूँ आपको। लगता है दरवाजे पे कोई आया है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आप? नहीं नहीं, वो मैं ही हूँ, आपसे मुलाकात भी हो गई। आप कौन है? वैसे तो मेरा नाम अभिजीत है, लोग मुझे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के नाम से जानते हैं। सीआईडी में काम करता हूँ, आप किस नाम से बुलाना पसंद करेंगी? सीआईडी का यहाँ क्या काम? अरे फोन पे बताया ना आपको। अच्छा वो, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है तो मैं भी मजाक करने लग गई। सुपारी का लेन देन तुम्हें मजाक लगता है? जिया ये सब क्या चल रहा है? सॉरी गर्ल्स, पार्टी खत्म हो गई है, आप लोग जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए चलिए। चलो चलो। आप सोच भी नहीं सकती आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। देखिए मैं प्रीतम के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा। वाह सर, अभी तक ये कह रही थी कि प्रीतम को जानती नहीं है, अब कह रही है देखा नहीं है। ऐसा ना हो थोड़ी देर के बाद ये कहें कि ये खुद प्रीतम है। अरे मैं ऐसा क्यों कहूंगी, मैं प्रीतम नहीं हूँ, मैं तो जिया हूँ। जरा आईडी दिखाइए अपना। आईडी कार्ड? हाँ एक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी नहीं है। नहीं है? ओ, जरा मैडम का बैग चेक कर लीजिए। सर इस खूबसूरत चेहरे का नाम है प्रीतम योगिता। अच्छा तो आप प्रीतम हैं? भाग के कहाँ जा रही हो? पहले अपने चेहरे का मेकअप तो करवा लो। मैं ही प्रीतम हूँ और मैं ही सुपारी लेने का काम करती हूँ। आज की सुपारी किसने दी थी तुम्हें? माफ कीजिएगा ऐसे ही चले आए, क्या करते, काम बहुत जरूरी था। आपने दीपिका को गिरफ्तार कर लिया? जी, सीआईडी से वो बच नहीं पाई। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? विराज ने उसका क्या बिगाड़ा था? नहीं नहीं, अब विराज ने दीपिका को कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो उसने मेरे भाई को क्यों मारा? क्योंकि किसी ने सुपारी दी थी दीपिका को विराज को मारने की। विराज की सुपारी? लेकिन विराज की सुपारी किसने दी? एक ऐसे इंसान ने दी जो इस वक्त यहाँ मौजूद है हमारे बीच में, और जो विराज की मौत पे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। कौन? शेखर तुम? भागने दौड़ने का बहुत शौक है आपको? हमारी जेल के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां आपका ये शौक पूरा हो जाएगा। कहने के तो ये हमारा फैमिली बिजनेस था, लेकिन सच तो ये था कि पूरा कारोबार सिर्फ और सिर्फ विराज भैया चलाते थे। और इस बात की तुम्हें जलन थी? हाँ, क्यों नहीं होगी जलन, सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे, सारी फैक्ट्रियां, सारी इंडस्ट्री उनके नाम पे थी। भिखारी जैसा महसूस करता था, इसलिए मैंने विराज भैया के प्रतिनिधियों अमर और मनसा के साथ हाथ मिला लिया। और तुम तीनों का एक ही मकसद था, विराज की बर्बादी। हाँ, जब विराज भैया को एहसास हुआ अमन और मनीषा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने दोनों की सिपाही दे दी। और इसके पहले कि वो दोनों मारे जाते, तुमने वो सुपारी कैंसिल करवा के विराज की सुपारी दे दी। तो क्या गलत किया मैंने? विराज भैया कौन से दूध के धुले हुए थे? हाँ, वो दूध के धुले नहीं थे, लेकिन तुम्हें उन्होंने एक छोटे भाई से ज्यादा अपने बेटे की तरह समझा था। तुमने जो किया है ना शेखर, उसका तो प्राश्चित तक नहीं हो सकता। प्राश्चित के लिए बहुत टाइम मिलेगा, जेल की सलाखों के पीछे फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।